दोस्तों मान लीजिए कि आप अपने कंप्यूटर में इंटरनेट में कोई काम कर रहे हैं, या फिर पावर पॉइंट में काम कर रहे हैं, या फिर एमएस वर्ड में काम कर रहे हैं, या फिर किसी और प्रोग्राम में काम कर रहे हैं और आपको किसी स्क्रीन का स्क्रीन शॉट लेना है, तो आप अपने कंप्यूटर में, लैपटॉप में या फिर पीसी में स्क्रीन शॉट कैसे लीजिएगा, आज के क्लास में हम सीखने वाले हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसी तरह के कंप्यूटर ज्ञान के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर ले। मान लीजिए दोस्तों कि आप अपने कंप्यूटर में किसी प्रोग्राम में काम कर रहे हैं। जैसे देखिए मेरा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट खुला हुआ है, तो मैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर एक प्रोजेक्ट बना रखा है। मान लीजिए मुझे अपने इस प्रोजेक्ट का स्क्रीन शॉट लेना है, तो कैसे मैं इसका स्क्रीन शॉट लूंगा? स्क्रीन शॉट के लिए आपको अपने कीबोर्ड से कुछ केवल बटन ही दबाने हैं। दोस्तों स्क्रीन शॉट के लिए आपको अपने कीबोर्ड में एक बटन दबाना पड़ता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक बटन मिलता है, इस बटन का नाम है प्रिंट स्क्रीन सिस्टम। आपको केवल इस बटन को एक बार दबा देना है। तो दोस्तों मैं अपने पावर पॉइंट वाले स्क्रीन पर वापस आ चुका हूं। अब देखिए मैं अपने कीबोर्ड से प्रिंट बटन को दबाता हूं। जैसे ही मैंने कीबोर्ड से अपने प्रिंट बटन को दबाया है तो आप देख सकते हैं दोस्तों, अगर आप विंडोज 11 यूज कर रहे हैं तो आपको तरह तरह के ऑप्शन मिलते हैं स्क्रीन शॉट के लिए। यहाँ देख सकते हैं कि ऊपर में आपको कुछ ऑप्शन मिलते हैं। अब अगर दोस्तों आप पूरे स्क्रीन का स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं आपका स्क्रीन शॉट हो जाता है। अब आपको क्या करना है कि अपने कंप्यूटर में किसी पेंट प्रोग्राम को या फिर वर्ड का फाइल या फिर पावर पॉइंट को खोल लेना है। तो चलिए यहाँ से मैं पेंट प्रोग्राम को खोल लेता हूँ। इसके लिए यहाँ देख सकते हैं कि मेरा पेंट यहाँ पर आ रहा है, इसके ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैंने पेंट के ऊपर क्लिक किया है मुझे न्यू पेज लेने को कहा जा रहा है, मैंने न्यू के ऊपर क्लिक किया। अब आपको उस स्क्रीन को यहाँ लाने के लिए अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल बटन के साथ भी को। जैसे आप कंट्रोल बटन के साथ भी को प्रेस करते हैं आप देख सकते हैं कि जिसका आपने स्क्रीन शॉट लिया था वो यहाँ पर आ चुका है। लेकिन किसी किसी कीबोर्ड में प्रिंट स्क्रीन के साथ आपको एक बटन और भी दबाना पड़ता है। दोस्तों यहाँ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि एक कीबोर्ड खुला हुआ है। इस कीबोर्ड में यहाँ पर आपको मिलता है प्रिंट स्क्रीन का बटन। आप सोचेंगे कि इसको दबा दूंगा तो मेरा स्क्रीन शॉट हो जाएगा, नहीं। इस बटन के पहले आपको यहाँ देखिए एक बटन और मिलता है FN नाम से। तो किसी किसी कीबोर्ड में आपको ये दो बटन मिलते हैं, तो जब ये दो बटन दिया रहेगा तो पहले जो है आपको इस बटन को दबाना है FN वाले को, और इसके साथ आपको दबाना है प्रिंट स्क्रीन को, उसके बाद आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने अपने ब्राउजर में एक पेज खोल रखा है। मान लीजिए कि मुझे यहाँ से इस फोटो का ही केवल स्क्रीन शॉट चाहिए, ये ऊपर का पोर्शन मुझे नहीं चाहिए। तो कैसे इसका स्क्रीन शॉट लेते हैं देखिए। इसके लिए मैंने अपने कीबोर्ड से प्रेस किया FN और प्रिंट स्क्रीन को। देखिए फिर से वही विंडो आ जाता है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ जो ऊपर में आपको ऑप्शन मिल रहे हैं आपको इस ऑप्शन के ऊपर में क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं कि आपका स्क्रीन का जो कलर है वो अंधेरा टाइप का हो गया है, यानी आप जिसे सिलेक्ट करिएगा वही केवल लाइट होगा। जैसे मैंने केवल इस एरिया को ही सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद आपको अपने माउस का लेफ्ट क्लिक को छोड़ देना है। जैसे ही आप छोड़ते हैं आपका स्क्रीन शॉट हो चुका है। अब आपको अपने कंप्यूटर में कोई भी एक पेंट प्रोग्राम या वर्ड फाइल या पावर पॉइंट को खोल लेना है जहां आपको वो फोटो चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं कि अभी मेरा पेंट प्रोग्राम खुला हुआ है। अब मैं यहां पर दोबारा अपने कीबोर्ड से प्रेस करूंगा कंट्रोल प्लस भी। जैसे ही मैंने कंट्रोल प्लस भी प्रेस किया है आप देख सकते हैं कि जिसे मैंने सिलेक्ट किया था केवल उसी का स्क्रीन शॉट जो है यहाँ पर आया है। दोस्तों जब मैंने प्रिंट स्क्रीन प्रेस किया है तो आप देख सकते हैं कि ऊपर में यहाँ पर एक ऑप्शन ये भी मिलता है आपको।
तो मैं इसे समझाने के लिए इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। दोस्तों देखिए, जैसे ही मैं इसके ऊपर जाता हूँ, फ्री फॉर्म मोड लिखा हुआ आता है, यानी कि अब आप जो है जिसे जहां से मन वहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए, मैंने इस तरह से गोल करके इसको ऐसे सिलेक्ट कर लिया है। अब अगर आप अपने माउस का लेफ्ट क्लिक छोड़ते हैं और दोबारा अगर पेंट प्रोग्राम में जाते हैं और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस भी दबाते हैं, तो देख सकते हैं कि जिसे आपने सिलेक्ट किया था वही जो है यहाँ पर गोल करके आ रहा है। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपने कंप्यूटर में, पीसी में या लैपटॉप में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। वीडियो कैसा लगा? अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।